जो मेरा है मेरे को देख जा। अच्छा ये हूँ कि हम दोनों के बीच में हो जाए बंटवारा। बंटवारा? हस्बैंड वाइफ का बंटवारा होता है जी भाई। और बॉडी का बंटवारा? तुम्हारे बॉडी में जो पार्ट है जिस पे मेरा अधिकार है, मुझे जब जरूरत होगी मैं वो ले लूंगा। आपको जब चाहिए मेरे बॉडी पार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमको जब चाहिए इस बॉडी को हम यूज कर सकते हैं। 5 मिनट लगेगा, मेरे को खेल लेने दे, उसके बाद तू जा। खिलौना है ना हमारे खेली, उसके साथ खेलते। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल के छो, कैसे आप सभी भाई और बहन, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो जैसे फैमिली के बीच में बंटवारे होते हैं, तो उसी प्रकार हस्बैंड वाइफ भी तो फैमिली है, उनके बीच में बंटवारा क्यों नहीं हो सकता। आइए लेके चलते हैं आपको उस बंटवारे के बीच में और देखते हैं कितना मजा आता है। और कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आपके चेहरे पर स्माइल वही रहे जो हमेशा लाते रहे। आपको भी निकाल दे। दहेज में आया है क्या उतना लेके बैठे हो गए? उतना लेके बैठे हैं तो दहेज का क्या मतलब है जी? जिंदगी भर दहेज मिलेगा लालची आदमी? अबे ये डायरेक्ट ओमान से आया है डब्बा, ये तेरे को मालूम भी है कितने का है? महंगा चार चार टू खा रहा है, रोज एक खाना है भाई, एक दिन में चार खाओगा तो ये कितने दिन चलेगा? देख पर सीडलेस ओमान डेट्स, ठीक है? एक भी नहीं खाएंगे अब, आज के बाद एक भी नहीं खाएंगे। नहीं तो इसी बात पे आज बात भी होगी। हम नहीं खाएंगे बस, चलो रखो अपना, ले जाओ अपने लिए लाए हो ना, खाओ खूब। मेरे लिए पर्सनली है, तुम्हारे लिए लेकिन लिमिट में खाओ ना भाई उस चीज को। हम नहीं खाएंगे अब। ऐसा थोड़ी है 10 किलो आटा पिसवा के लाया, तुम पूरा बनाया खा गए मोटी सी रोटी। ठीक है ना, हम खाएंगे नहीं, कभी कभी खा लेते, ध्यान थोड़ी आता है, अभी याद आया तो खा लेते। तुम्हारे यहाँ तो अच्छा है। क्या अच्छा है? भाई है, बंटवारा नहीं होगा। आपको बंटवारा होगा, जब होगा तो होगा। लो खाओ। नहीं खाएंगे। खाओ पहले, खाओगे तब बोलेंगे। मेरे घर का कहीं बात कर रहे हो, बंटवारा नहीं होगा। खजूर से बंटवारे से मेरे भाई से क्या कनेक्शन है आपका? आएंगे ना हम पार्टी में, पहले खाना से शुरू तो करो। लीजिए एक ठो मुंह में। खाओ भाई, ऐसे देखो मत, खाओ प्यार से, खाओ फील करके खाओ। अश्लील है ये लोंडा। क्या है? नहीं खाना। ऐसा है कि तुम्हारी हमारी हिस्ट्री जो है 7 साल की बहुत गंदी है ना भाई? कि नहीं है? तो हिस्ट्री को जो हम लोग आगे वाला समय जो है कम से कम उसको गंदा ना करें, उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज के बारे में सोचा है। तेरे डिवोर्स तो ले नहीं सकते, तेरे बाप मेरे को जीने नहीं देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या सोचा है? सोचा ये हूँ कि हम दोनों के बीच में हो जाए बंटवारा। बंटवारा? बंटवारा कब से होने लगा? पहले मेरी पूरी बात को सुन समझ, ठीक ना? बोलो। हो सकता है, पॉसिबल है। कैसे? देख, घर के कामों में बंटवारा, ठीक? ऐसा घर के काम में बंटवारा। हाँ, आधा करोगे? पैसे में बंटवारा, पैसे भी उस हिसाब से मिलेंगे। मैं पैसा कमा रहा हूँ। हाँ? आप तो पैसा कमाने नहीं है। नहीं। तो उस काम उस हिसाब से बंटेंगे। हाँ? ठीक है। किसमें काम और दाम दोनों में बंटवारा हो गया। बिस्तर का बंटवारा, ठीक है, और बॉडी का बंटवारा। बॉडी का बंटवारा? बॉडी का बंटवारा कैसा होता है जी? सच में एकदम सठी आ गए हो। बॉडी का बंटवारा कैसे होगा? कैसे? शादी के समय जब हम दोनों की रात में शादी हो रही थी, वो जो ब्राह्मण पंडित जी थे जब मंत्र पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली कि पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे के आधे अंग होते हैं, ठीक है? और शादी के बाद भी
तुम्हारे कुछ पार्ट्स मेरे मेरे कुछ पार्ट्स तुम्हारे पे अधिकार है ना, कोई और नहीं छू सकता है। नहीं। सारा पार्ट तुम्हारा छू सकता है लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कहना क्या चाह रहे वो कहिए। वही बता रहा हूँ तो मेरे जिस तुम्हारे बॉडी में जो पार्ट है जिसपे मेरा अधिकार है मुझे जब जरूरत होगी मैं वो ले लूंगा। प्यारी समझ गई। यूज करूंगा मेरे बॉडी में जो पार्ट है जो तुम्हारा मन होगा तो तुम यूज कर लेना। हमें नहीं जरूरत है। मत यूज करना। बंटवारा होगा बंटवारा होगा। इस चीज का बंटवारा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता है? तन का बंटवारा सुने हो कभी? धन का हो सकता है, काम का हो सकता है, ये सब हो सकता है कि बॉडी में भी बंटवारा होने लगा भैया। कोई सुनेगा तो बोलेगा एकदम पागल है ये आदमी। प्रॉब्लम क्या है? पहले तो हस्बैंड वाइफ में बंटवारा करवा रहे हो, फिर उसके बाद तन का बंटवारा, तो इसका बंटवारा। प्रॉब्लम क्या है? अरे मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगा, तुम्हें जरूरत होगी बंटवारा करने की जरूरत ही क्या है? बंटवारा करने से ये होगा ना कि तुम बार बार जो मतलब डंडा करते हो ऐसे ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है तो वो नहीं होगा ना। मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी मैं ले लूंगा। अच्छा। बंटवारा करने का आपका मेन मकसद है बस वो ना, और कुछ नहीं है ना, बस वही आपका मेन मकसद होता है ना, बंटवारा करने का वही मकसद है। काम घर का तो करोगे नहीं, पैसा कमा रहे हैं मतलब काम में कोई असर नहीं पड़ेगा। बंटवारा जो हो रहा है बंटवारा जो कर रहा काम में नहीं, काम है। करेंगे बैठो काम करेंगे बताइए बताइए। अच्छा सुनिए आप भी सुने क्या काम है। मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी तो तुम बंटवारा कर नहीं पाओगे। उसमें तो तुम्हारा बंटवारा है, तुम्हारे घर के काम में मैं बंटवारा नहीं करूँगा। तब फिर बचा क्या? बताने तो दे पहले मेरे को भाई। बोलो। गेहूं मैं पुसवाता हूँ बाहर जाके, बाहर से सब्जी सब्जी वगैरह सब मैं लेके आता हूँ, सामान मैं लेके आता हूँ घर का राशन वगैरह। फिर और क्या करता हूँ मैं? कुछ नहीं करते हैं। एक बच्चा को तुम पढ़ाओगे, एक बच्चा को मैं पढ़ाऊंगा। वो तो पढ़ाते ही हो आधा टाइम। ठीक। दूसरा खाने का भी बंटवारा है। ठीक है, तुम ज्यादा खा रहे हो घर में। अच्छा। मैं कम खाता हूँ। अच्छा। सही पकड़े हैं। हाँ नहीं खाते हो ज्यादा? खाते हो नहीं? एक किलो मिठाई आता है तो आधे किलो आप मार जाते हैं, एक किलो आम आता है तो आधे किलो आप मार जाते हैं, आधे में सब लोग हम लोग खाते हैं बाहर, मालूम है? तो आम और मिठाई को नहीं बांटेंगे ना? आपको क्या लग रहा है हम पागल हैं? हम पागल दिख रहे हैं आपको? काम करोगे नहीं, पैसा दोगे नहीं, मतलब जिसमें बस देख रहे हो जिस जिस चीज में मेरी प्रॉफिट है, जिसमें आपका नुकसान है, बस वही उसी में बंटवारा हो रहा है। ऐसे बंटवारा होता है? आए हैं बंटवारा करने, मार के सरवन आपको देंगे। बहुत तेज हो रहे हो हैं। अब झाड़ू और पोछा मैं ले रहा हूँ अपने अंदर में। झाड़ू पोछा करेंगे? हाँ। करेंगे झाड़ू पोछा। एक टाइम का झाड़ू पोछा मेरे पास। चलो करो जा अभी करके दिखाओ पहले झाड़ू पोछा। पहले पूरा डील तो होने दो। बैठो पूरा डील हुआ नहीं तुम आ गए यहाँ पे। बोलो बोलो। और क्या बंटवारा? देखते हैं रिश्ता का बंटवारा। हाँ ठीक ना। तुम लोग साला मेरे को सोने के लिए इतनी जगह देते हो। हाँ ठीक ना। में सोना चाहिए ना, क्या जरूरी है? इस रूम में क्यों सोऊं? पूरा खर्च करके पैसा लगा करके डल्लप में डलवाया हूँ, बेड में लगवाया हूँ, साला बस सोऊं आकर के इस पे। बेड लगवा लो इसी में सो। नहीं मेरे को अकेले मजा नहीं आता। अकेले सोने के लिए शादी की है, बच्चा पैदा किया तो दोनों बच्चा के लेके सुतो ना खूब। बच्चे के साथ क्या है यार, तब इतना जगह में क्या है परेशान हो? तो क्या बंटवारा उसमें क्या बंटवारा करेंगे? थोड़ा और बांटो बेड बांटो। और ज्यादा दे मेरे को, तुम लोग को पूरा तुम पूरा ले लेते हो यार। चढ़ के क्यों सोते हो मेरे ऊपर? हाथ पैर फेंक दोगे, मुंडी फेंक दोगे। आपको पता सब चढ़ के सोता है, छोटका सुलाते थे छोटका आपको परेशान कर रहा है, अभी सुलाते तारुई हमको गुदगुदाती है, ये करती है, करती रात में बेवकूफ बनाते हैं, मतलब आपको सारे तरफ से प्रॉब्लम होती है दुनिया में, कुछ आपको अच्छा नहीं रहता ना। बस छोड़ो ये पेट वाला खत्म करो मैटर, लेकिन ये बॉडी पार्ट वाला देखो होगा उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बॉडी पार्ट तुम्हारा तुम्हारा मेरा मेरा तुम्हारा तुम्हारा ठीक है, जब जिसको आवश्यकता हो वो अपने सहूलियत के हिसाब से यूज करेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। अच्छा वो मेरा है, पंडित जी ने बोला है मेरा। ठीक। धर्म कहता है वो मेरा, शास्त्र कहता है वो मेरा। ओके हमको मंजूर है। ठीक है आपको जब चाहिए मेरे बॉडी पार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जब हमको जब चाहिए इस बॉडी को हम यूज कर सकते हैं, चाहे झाड़ू है तेरा पूरा थोड़ी है, ये आपका पूरा है, हम जब चाहे पूरा खा लेगा तेरा तो हम भी पूरा खा लेंगे, इतना हाथ में लेंगे ना, बस इसी हाथों से झाड़ू बनाएंगे, पोछा मरवाएंगे, खाना बनवाएंगे, बस इसी आधे हाथ से ही काम करवाएंगे, पूरा बॉडी नहीं लेंगे, पैर भी नहीं चाहिए।
तो हाथ उखाड़ के ले जाओ, मैं बैठा रहूंगा, हाथ उखाड़ के ले जाओ, झाड़ू मरवा दे। आप भी वैसे तो होता है, वो उखाड़ लेके उखड़ेगा, वो वही चीज ना, ये उखड़ेगा, ये उखड़ेगा, ये उखड़ता है कभी। चुप चाप अगर जाने शैतानी, मतलब दिमाग अपना मत लगाया करो, कुछ मिलेगा नहीं, मिला कुछ सर दिखा दिए असली औकात, कोई बटारा नहीं, सीधे हाथ पैर उखाड़ के लेके काम करवाने लगे, आधा बॉडी पार्ट आए हैं बंटवारा करने, हस्बैंड वाइफ में बंटवारा करेंगी। अच्छा है, बैठना तो अपने आप में पहले आधा बंटवारा कर लो, बैठ के दिखाना, खड़े हो जाते हो यार, बैठ 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 के बात कर, सिर्फ बात करने को बचा है क्या है, बात करेंगे, खाने भी ढंग से नहीं देते हैं, ले खा दो, खा लो भाई, खा ले, खाना खाएंगे, अब खाएंगे गुस्सा में, कोई खाता है गुस्से में, खानदान में कोई खाया है वो, पूरे खानदान में, जब आप देखे नहीं होंगे ना तब से देख के खा रहे हैं, मुंबई से पूरा हमारा टप्पा टप्पा भर के लाती थी, मालूम है आपको, पता भी नहीं होगा खजूर क्या होता है, तब से हम खा रहे थे, बकवास मत किया करो हमसे, मालूम है मेरे को, बम्बई के नाला में वो पेड़ लगा के तोड़ के लाते हैं सब, ये कौन कहाँ से आया, तो मान से आ रहा है, मान से आ रहा है, अरे कैसा आप है आदमी जी, खाओ उसको, ठीक है बेइज्जती मत करो उसकी, जानते हो कितनी कीमत है, हम वो खाए, एक खजूर की कीमत तुम्हारे भाई के दोनों किडनी और लीवर से महंगी है, वो खजूर हम खाए और आप हमको खा जाओ ना, खा ही रहे हो, चूस रहे हो पूरा खून, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, प्यार तुमको शर्म आता है जी, क्या करते हैं, प्यार करते हैं ऐसे खिसी बातें दिन रात, अरे हाँ भाई हाँ, दिन में चार बार सहूलियत कर रहे हैं आपस में, सहूलियत क्या, झगड़े की वजह को खत्म कर रहे हैं, हमको कोई प्रॉफिट दिखाई नहीं, जब देखो तुम्हारा नुकसान ही दिख रहा है, झाड़ू बचाव लगा दे रहे हैं, हो गया तो कम से कम उतना तो काम हुआ तेरा, अभी तो वो भी नहीं करता मैं, कम से कम उतना काम तो हो रहा है, है? बस बदले में क्या करूंगा, कुछ नहीं करेंगे, अपना ही बॉडी यूज करूंगा, मेरा है वो, हमारा भी जैसे मन करेगा, हम वही तो कह रहे हैं, जिससे मन झाड़ू को सके करवाएंगे, जो मन करे खाना बनवाएंगे, टाइम का बर्तन धोएंगे, बारा करने आए हैं, मुंह नहीं देख रहे हैं अपना, अच्छा हमको सिखा रिया है, तुम्हारे खानदान में ऐसा मुंह नहीं होगा किसी के पास, समझे, अरे भाई के आधो नहीं हो फिर भाई बात बुलवाओ, तेरे भाई खानदान की बात, अपने भाई से फिर कंपेयर कर दिए तुम हमको, पता तेरा भाई मेरे बता रहे, ये बाल खींच कैसे बेच दूंगा ना, तू साला पहले हम ही, मेरे आधा ही नहीं है, भाई का छोड़ो, भाई बात भाई का तो छोड़ो, का सकलिया खाने को दे रहा है आपको, हम खाने को दे रहा है ना, सकलिया नहीं दे रहा है, सकलिया कानो रहता ना तो भी सही रहता, बस शांत रहते, कानो रहने से शांत रहने की क्या है, जुबान ना रहता मेरे, हां वही गूंगा भी रहते ना, कमा के लाते दो रोटी खा देते हैं हम, नहीं लगता सारे वही पेट्रोल टंकी वाले से हो जाना चाहिए था, शांति रहती तो जो शांति रहते, हाँ जिससे लग रहा था ना मेरे से पहले पेट्रोल टंकी वाला, हाँ, आता जब पेट्रोल से पेट्रोल भर के ना सोते उसके साथ पेट्रोल पेट्रोल महंगता, अगर कोयला कोयला नहीं मांग रहा, कोयला जो ट्रेन में लाद के लाते हो तो नहीं मांगता है, कोयला कोयला पीछे आता है, मेरे सर पर चिपका रहता है, कोयला कोयला पूरा, हाय बड़ा कोयले में आप, ठीक है पेट्रोल ठीक है, कोयला ठीक नहीं है, तुम लड़ने के मूड में बैठे हो आज, कॉम्प्रोमाइज के मूड में बैठे, कॉम्प्रोमाइज कैसा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप, किधर कॉम्प्रोमाइज हमको दिख रहा है, हमारा नुकसान ही दिख रहा है, तुम समझना नहीं चाहते हो ना, हमें नहीं समझना है, अच्छा ठीक है चल जाने दे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, ठीक है, लेकिन बस जो है थोड़ा ध्यान दो, मेरा बॉडी पार्ट जो है उससे उसके लिए तुम मना नहीं कर सकते हो, हमें आपसे बात नहीं करनी, मेरे पास 50 प्रकार के काम है, नहीं आए आपको बकवास करने के लिए, मेरे को पापी मेरे बॉडी पार्ट की जरूरत है, महसूस हो रही है मुझे, मुझे अभी मेरे बॉडी पार्ट की आपको अभी नहीं जरूरत होती है, दिन में 24 घंटे आपके बॉडी पार्ट की जरूरत होती है, हटिए सामने से, 5 मिनट लगेगा मेरे को खेल लेने दे, उसके बाद तू जा, खिलौना है ना हमारे खेली उसके साथ खेलते हो, खिलौना है ना खेलने वाला, खिलौना, और सुन तो बात से सुन तो भाई, पांच मिनट लगेगा, पंडित जी देख पंडित जी को बुला के साथ फैसला करूंगा मैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कहा है नहीं कर सकता, वो शादी कैसे करा दिया फिर तेरे साथ में, मेरा शादी कैसे करा दिया फिर, तो मेरा हम करना चाहते तो कराए ना, हट
मेरा हाथ तो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ मत जोड़, तू और कुछ जोड़, जो जुड़ सकता है उसको जोड़। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये, जो मेरा है मेरे को देख जा। मेरे को चाहिए कि मैं तेरा अपना लेके जा, चाहे काट के दे। हड्डी तोड़ दो, काम कैसे पकड़ा है तू, मेरा मेरे को दे दे, काट के दे दे, हड्डी हड्डी फोड़ दे, काट दो। देख भाई वीडियो, ऐसे हिंसक सरस पति है तुम्हारे, हम पति है साला, कभी कभी मेरे को फीलिंग आती है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ बे, साला इतना इतना कौन मारता है रे। और आप कैसे हमसे बातें करते हैं, बदतमीजी वाली बातें करते हैं हमसे, क्या लगा मेरा मजाक साला इससे। इसी दिन ना घसीट के ले जाऊंगा तुम्हारे बाप को कचहरी तक। मजाक, आई एम जोकिंग, आई एम जोकर। तो हमको जो आपको आपके जोक मजाक के चक्कर में हमको जो गुस्सा आता है उसको क्या करें हम? प्यार, जब गुस्सा आए तो प्यार करना चाहिए। आग पार के फोड़ दी, भाई और बहनों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारे प्यार आशीर्वाद बनाए रखें।